સુરતના પૂણા વિસ્તારમાં મંડપ ડેકોરેશનનો બિઝનેસ કરી રહેલા વેપારી અને તેના સાથેની કર્મચારીઓને માલિકને અંધારામાં રાખીને કરોડો રૂપિયાની ઠગાઈને અંજામ આપવામાં આવ્યો છે। આંગે પૂણા પોલીસ અત્યાર સુધી કોઈ કાર્યવાહી ન કરાતા ભોગ બનનાર પોલીસ કમિશનરને દ્વાર ખખડાવ્યા છે। સુરતમાં ઠગાઈના બનાવો સતત વધી રહ્યા છે ત્યારે વધુ એક કરોડ રૂપિયાની ઠગાઈનો બનાવ સામે આવ્યો છે। જ્યાં પૂણા વિસ્તારમાં રહેતા અને મંડપનો બિઝનેસ કરનાર માલિક વિજય બંસલ સાથે 1,40,00,000ની ઠગાઈ કરી છે તે પણ તેમની કંપનીમાં કામ કરતા કર્મચારી એમ એકાઉન્ટ સહિત 3 લોકો સાથે મળીને કરોડો રૂપિયાની ઠગાઈ કરી છે। અનાજમ આપ્યો હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે। જો કે આ મામલે 1 મહિના પહેલા પૂણા પોલીસ મથકે અરજી આપી હતી પણ કોઈ નક્કર કાર્યવાહી ન કરી હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે। ત્યારે આ મામલે ફરિયાદ પોલીસ કમિશનરમાં અરજી કરે છે। आपके साथ क्या हुआ सर? मेरे साथ क्या हुआ, मेरे यहाँ क्या योगेश गुप्ता नाम का मैनेजर था, 2016 में काम करने आया था। तो उसने मेरा भरोसा जीता, एक साल के लिए वो काम छोड़ के चला गया था। एक साल काम करने के बाद फिर वो वापस आया तो उसने इतना मतलब मेरा भरोसा जीत लिया कि घर जैसे वो व्यवहार करता था सर। तो मैंने पूरा काम उसको सौंप दिया। मेरे 3 फर्म हैं, कमला एसोसिएट्स, कमला केएसएन, सी विनायक इंटरनेशनल। तो मेरे चेक वगैरह सब, ब्लैंक चेक वगैरह सब साइन करके उसको देता था। वो वहीवट वगैरह सब वो करता था सर। लेन देन बैंक में जमा कराना, पैसा निकालना, सारा काम वो करता था सर। उसने क्या किया, इन्होंने सौर्य फैब्रिक के नाम से अकाउंटेंट को प्रोपराइटर बना करके दूसरा फर्म खोल दिया मेरी दुकान पे। और इन्होंने रेंट एग्रीमेंट भी अकाउंटेंट के नाम से बना लिया मेरी दुकान के ऊपर। और इन्होंने बना करके और मेरा कपड़ा भेज दिया और पार्टी से पेमेंट उठा लिया। मेरा सॉफ्टवेयर इनके पास है, मेरी गाड़ी इनके पास है, मेरा ब्लैंक चेक इनके पास है, सब कुछ, मेरा कंप्यूटर इनके पास है सर, सब कुछ इनके पास पड़ा है। उसके बावजूद ही मेरे ऊपर झूठी फरियाद करवा रहे हैं पूना गाँव के अंदर ये। जब उसने आपकी दुकान के ऊपर अपना बिजनेस चालू कर दिया तो आपने कुछ कहा? सर मुझे बाद में मालूम चले वो चीज़ें। वो कहा तो फिर मेरे को बोले, धमकियाँ मिलने चालू हुई कि ऐसा कुछ भी डिसीजन लेगा तो तेरे पूरे खानदान को ख़त्म कर दूंगा मैं। तो मैं उसी से डरा हुआ था सर काफ़ी टाइम तक। आपने फरियाद की है? मैंने पहले सलावतपुरा में किया था सर। तो सलावतपुरा वालों ने ये विड्रो कह के विड्रो करवा दिया कि भाई हमारा क्षेत्र नहीं लगता, तुम पूना गाँव में करो। तो फिर मैंने पूना गाँव में किया सर 3 नौ को। तो पूना गाँव में अभी तक उसके खिलाफ, जो उसने मेरे खिलाफ करवा रखी है उनके खिलाफ मेरे को बार बार बुलाया जा रहा है। मेरी फरियाद के ऊपर अभी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया सर। और पूना पुलिस स्टेशन में आपने जो फरियाद की उसके ऊपर आपका जवाब वगैरह कुछ लिखाया गया? नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं लिखाया। आप क्या चाहते हैं यहाँ पुलिस कमिश्नर? मैं ये चाहता हूँ सर मुझे न्याय मिले। मुझे ऊपर पहले भी सर क्या झूठी फरियाद करके इन लोगों ने अंदर करवाया है। सुनील कुमार हेमराज सैनी वो भी इसके साथ मिला हुआ है। उसमें सर मेरे को दलाल बता कि मैं कोई दलाल नहीं हूँ सर। मैं 2012-13 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ व्यापार का। हमारी एसोसिएशन बनी हुई है सूरत मंडप क्लॉथ एसोसिएशन, उनको पूछिए सर मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ सर। आपकी कार्रवाई नहीं होगी तो आप क्या करोगे? मेरी कार्रवाई नहीं होगी तो सर मैं, मेरे बीबी और बच्चे, 2 बच्चे हैं मेरे, एक बिटिया है एक बेटा है, उनको ला करके यहाँ पे हम केरोसिन लगा करके हम यहाँ पे खत्म हो जाएंगे सर। और कुछ के अलावा और कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। अब हम दुखी हो चुके हैं सर।